कुछ कहानियाँ खास होती है एंड कुछ बहुत ही खास। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करूँगा वो दूसरे वालों में से है, यानी कि ये कहानी इतनी प्यारी है कि आपका दिल छू जाएगी। इस फिल्म का नाम है वेडिंग ड्रेस। कहानी के शुरुआत में एक प्यारी सी म्यूजिक के धुन में एक ड्राइंग बनाती हुई लेडी हमें नजर आती है। इनका नाम है यूना एंड वो एक वेडिंग ड्रेस डिजाइनर है। आज बारिश का दिन था एंड वो शॉप पे बैठकर अपनी बेटी को इमेजिन कर एक वेडिंग ड्रेस बना रही थी। इस सीन के ठीक दूसरी तरफ हम उसी बच्ची को देखते हैं। उसका नाम है सोरा एंड ये 9 साल की है। वो स्कूल से बाहर आ रही थी एंड आज मौसम खराब था और तेज बारिश हो रही थी, तो वहाँ बाकी बच्चे या तो छाता लेकर आए थे या फिर उनके पेरेंट्स उन्हें अपने साथ ले जाते हैं एंड ऐसे ही करके सारे बच्चे वहाँ से चले गए थे। लेकिन सोरा की आंट काम में व्यस्त थी इसलिए वो नहीं आ पाई। जैसे सोरा की मदर उसे लेने नहीं आती थी एंड उसे स्कूल ले जाने और वापस लाने का काम उसकी आंट ही देखती थी, तो वहां पर सोरा बारिश रुकने का इंतजार करती है एंड वह यूना को उनकी बॉस आकर बताती है हमारी किसी वर्कर ने दुल्हन को गलत ड्रेस दी थी एंड आज उसकी शादी है। यूना घबरा जाती है एंड तभी उन्हें कॉल आता है सोरा का। वो इन्हें स्कूल बुला रही थी क्योंकि आंट नहीं आ सकती, तो यूना उसे लेने तुरंत स्कूल जाती है एंड कार में बैठा कर मैरिज वेन्यू में आ जाती है, जहाँ किसी तरह वो इस पूरे उलझे मामले को ठीक करते हैं सही वेडिंग ड्रेस ब्राइड को देकर। काम खत्म करने के बाद वो सोरा से कहती है तुम ऐसे मुझे काम के बीच नहीं बुला सकती। जिस पर सोरा कहती है आज आंट बिजी थी तो मैं क्या करती। उसकी मॉम कहती है अच्छा चलो जब इतना किया ही है मैंने तो क्यों ना तुम मेरे गालों पे एक किस दो मुझे। सोरा कहती है आप बच्चे हो क्या। जिस पर मदर कहती है नहीं पर तुम तो हो एंड सोरा उन्हें किस देती है। इसके बाद वो बैले डांस के लिए अकेडमी जाती है जब मदर ने उसे ज्वाइन करवाया था। वहाँ पर ऑलरेडी आज के क्लासेस शुरू हो गए थे तो वो वहाँ पर अंदर जाती ही नहीं। एक्चुअली यहाँ उसके स्कूल फ्रेंड सीखते थे एंड उसे उनके साथ सीखना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो दूसरे कमरे में आ जाती है जहाँ पर हमें एक बंदे को देखते हैं। उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा था। फ़ोन पर वो कहता है मैं खाना छोड़ दूंगा अगर तुम वापस नहीं आई तो। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है छोड़ दो फिर रोका किसने है एंड वो फ़ोन कट कर देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो सोरा खड़ी थी। वो शो करता है उसकी भी एकेडमी है जो बहुत अच्छे से चल रही है एंड कुछ ही देर में बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन काफ़ी देर बाद भी कोई वहाँ नहीं आता, तो वो सोरा से ही पूछता है क्या तुम उसे ताइक्वांडो सीखना चाहोगी। वो यूना आज अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई हुई थी जहाँ पर उसे कॉल आता है मैम जिस लेडी को आप ढूंढ रहे थे वो मिल चुकी है। सोरा को एकेडमी से पिकअप कर वो उस लेडी के घर जाती है। दरअसल इन लेडी ने यूना से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे जब तक उसने चुकाए नहीं एंड वो छिपी हुई थी। आज फाइनली वो काफ़ी बोलने पर पैसे लौटा देती है, यानी कि अब यूना अमीर हो गई थी। सोरा कहती है मतलब मैं जो बोलूँगी आप वो मुझे दिला दोगे। वो कहती है बिल्कुल एंड सोरा और वो जाकर वीडियो गेम्स ले आते हैं एंड साथ में खेलने लगते हैं। जिस पर सोरा कहती है ये टीवी का स्क्रीन कितना पुराना लग रहा है ना। यूना कहती है अच्छा ऐसी बात है एंड तुरंत वो लोग जाकर नया टीवी ले आते हैं एंड फिर रात को सोते समय यूना सोरा के पास आकर ही सो जाती है और अगले दिन वो खुद ही उसे तैयार भी करती है। फिर हम देखते हैं सोरा और यूना यूना के बड़े भाई के फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करे थे। जैसे सोरा काफ़ी वक्त से अपने मैटरनल अंकल की फैमिली के साथ ही रहती है एंड सुबह स्कूल लेकर जाने से लेकर रात के डिनर के वक्त तक ये पूरा समय वो उनके साथ ही बिताती है। कभी कभी यूना इस बीच उससे मिलने आ जाती है एंड आज ब्रेकफास्ट के वक्त सोरा खाने से इनकार करी थी क्योंकि वो अच्छा नहीं था, पर यूना उसे कहती है अपनी आंट का ऐसे परेशान मत करो। जिस पर सोरा कहती है आप तो बोले ही मत आपने कभी खाना बनाया भी है मेरे लिए। अंकल अपनी बहन से कहते हैं यूना तुम्हें भी सोरा के साथ समय बिताना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अंकल ऑफिस से आ रहे थे एंड यूना उन्हें अपने साथ एक कार आउटलेट में लेकर आती है एंड वहाँ पर वो ने एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करी थी क्योंकि उनका प्रमोशन हुआ था। वो कहते हैं तुम्हें हुआ क्या है तुम पागलों की तरह बिहेव करी हो इतनी महंगी कार मुझे क्यों दिला रही हो। जिस पर यूना कहती है क्योंकि आप मेरे भाई हो। लेकिन वो चले जाते हैं ये बोलकर कि कार तुम और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ चलाना। वहाँ पर हम गौर करते हैं यूना के अचानक ऐसे बिहेवियर से सभी हैरान थे। इसके ठीक दूसरी तरफ हम वेडिंग आउटलेट में आ जाते हैं जहाँ पर बॉस एक खास वेडिंग ड्रेस बहुत ही महंगे प्राइस में सेल करी थी एंड कस्टमर्स मान भी जाते हैं क्योंकि वो ड्रेस सच में बहुत ही प्यारा था। लेकिन यूना इसे बेचने नहीं देती। इस ड्रेस को उसने सोरा के लिए खास तौर पर डिजाइन किया था। फिर घर पर सोरा यूना से रिक्वेस्ट करती है स्कूल की तरफ से पिकनिक पे जाने देने के लिए, लेकिन पिकनिक पे सब खाना लेकर आएंगे तो सोरा क्या लेकर जाए। वांट को बोलने के लिए कहती है। जिस पर यूना कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं बना सकती। वो पूरी रात जागकर बहुत सारा डिलीशियस खाना पैक करती है, बट अगले दिन बारिश आ गई थी तो पिकनिक प्लान होता ही नहीं।
इसलिए वो सोरा को लेकर खुद ही बीच के पास आ जाती है एंड दोनों ही मदर डॉटर साथ में वहां पर एक प्यारा वक्त बिताते हैं और सारा खाना भी खा जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अंकल के घर आ जाते हैं जहां पर डिनर से पहले वाले प्रेयर्स वो लोग कर रहे थे, लेकिन अचानक इसके दौरान ही यूना अनकॉन्शियस हो जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आ जाता है एंड अंकल को डॉक्टर बताते हैं आपकी बहन को कैंसर है एंड ये इनिशियल स्टेज नहीं बल्कि लेटर स्टेज है। फिर उसे हॉस्पिटल में होश आता है एंड डॉक्टर कहते हैं उसकी कंडीशन ठीक नहीं एंड उसके पास मुश्किल से कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। एंड वहाँ पर अपने ब्रदर को देख वो एक मुस्कान देती है जिसके पीछे का दर्द हम साफ तौर पर देख पाते हैं। घर लौटते वक्त यूना उनसे माफ़ी मांगती है इस बात को छिपाने के लिए। अचानक बीच में गाड़ी रोक कर वो अंकल बाहर आते हैं एंड बीच रोड में रोने लगते हैं। वो एकदम टूट गए थे, उन्हें समझ नहीं आता आखिर उनकी बहन के साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सालों पहले उसके हस्बैंड की मौत हो गई, उनके पास पैसे नहीं थे, किसी तरह उन लोगों ने ज़िंदगी को सर्वाइव किया एंड अब जब उसके पास पैसे हैं उसकी बेटी बड़ी हो रही है तो अचानक उसे कैंसर हो गया। सोरा अब तक इस बात से अनजान थी एंड अगले दिन वो स्कूल जाती है जहाँ पता चलता है कि वो आखिर पहले क्लास में क्यों नहीं जाती। जैसे सोरा की क्लासमेट गीना से उसकी नहीं बनती एंड उसका ही ग्रुप वहाँ बैले सीखता है। आज वो लड़की गीना सोरा का बनाना मिल्क आधा पी जाती है एंड बदला लेने सोरा उसके खाने में पूरा बनाना मिल्क डाल देती है। बाद में यूना को स्कूल में बुलाया जाता है शिकायत करने नहीं बल्कि बताने कि सोरा काफ़ी दिनों से बदल गई है। जैसा कुछ दिनों पहले यही लड़की गीना उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, एक दिन उसने सोरा के बॉटल से पानी पी लिया जिस पर सोरा उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करती है और तब से उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले एकेडमी में सोरा डरी हुई थी कि मदर को सब कुछ पता चल जाएगा एंड वहाँ पर वो ताइक्वांडो सिखाने वाला ट्रेनर उसे कहता है घर में सारे सामान को छिपा देना ताकि मदर को मारने का मौका ही ना मिले। वो फिर घर आती है लेकिन यूना एकदम चिल थी, वो उसे डांटती तक नहीं। सोरा को अच्छा नहीं लगता, वो कहती है अब गुस्सा नहीं है मुझसे। यूना एक गहरी सांस लेती है एंड कहती है नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर तुम बताओ तुम्हें नहीं लगता कि किसी के साथ खाना शेयर करना एक अच्छी बात है। वो कहती है नहीं, जिस पर यूना कहती है तुम बड़ी होगी तब भी ऐसे ही रहोगी, सबसे लड़ाई करोगी, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, क्या तुम अकेले रह पाओगी, क्या तुम्हें पता भी है अकेला होना कैसा होता है। सोरा कहती है बिल्कुल मुझे पता है, मैं होमवर्क अकेले करती हूँ, खाना खुद खाती हूँ, सोती भी अकेले ही हूँ, आपका इंतज़ार भी मैं अकेली करती हूँ। आप ही बताओ आप कब थे मेरे साथ, कभी भी तो नहीं, आप हमेशा बिजी रहते हो अपने काम में, आज तक सब कुछ आंट ने मेरे लिए किया है, आप वहाँ पर कभी नहीं थे एंड वो आपसे बहुत बेहतर है। ये बात सुन यूना अपने कमरे में आ जाती है एंड फूट फूट कर रोने लगती है कि उसने आज तक कभी अपनी बेटी पर ध्यान दिया ही नहीं। और अब जब वह खुद इस दुनिया से जाने वाली है तब उसे पता चल रहा है एक पेरेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद वो अपनी होमवर्क करती हुई बेटी के पास आकर उसे गले से लगा लेती है एंड काम को तुरंत खत्म कर वो डांस एकेडमी उसे लेने जाती है। चाहे ये जान कि सोरा बैलेट प्रैक्टिस करती ही नहीं, वो शौक थी, वो अपना सारा गुस्सा उस बंदे पे निकालती है जो ताइक्वांडो क्लास के नाम पर वहाँ पर टाइम पास कर रहा था। वह यूना की बातें सुन वो कहता है मैंने कभी पैसे लूटने के लिए सब कुछ नहीं किया, उल्टा मैंने तो सोरा को कहा था कि वो जाकर बैले सीखे लेकिन वो खुद नहीं गई। पर वहाँ पर एन मौके पर सोरा पलट जाती है ये कहते हुए नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया है। बंदे की वहाँ पर गजब बेइज्जती होती है। इसके बाद घर आकर सोरा अपनी मदर से कहती है अब से मैं पक्का बैले के लिए चली जाऊँगी, जिस पर यूना कहती है नहीं पहले ये बताओ तुम जाती क्यों नहीं थी। वो कहती है वहाँ गीना आती थी। यूना समझ आती है एंड कहती है कल अपने सारे दोस्तों को बर्थडे पे घर पर इनवाइट करो, पूरा इंतजाम मैं करूँगी। यूना सारे इंतजाम कर तैयार बैठी थी लेकिन सोरा घबरा कर उन्हें इन्वाइट कर ही नहीं पाती। घर आकर उसे ऐसे देख यूना कहती है अच्छा कोई बात नहीं हम दोनों का मैं क्या, एंड फिर वो दोनों मिलकर साथ में बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं सोरा के बर्थडे को। इसके बाद यूना सोरा को खुद से साइकिल सिखाने ले जाती है क्योंकि उसने सोरा को साइकिल दिला तो दिया था पर कभी एज अ पेरेंट सिखाया ही नहीं। वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही थी लेकिन अब वो इन्हें एक्सेप्ट कर बखूबी तौर पर पूरा करती है। अचानक उसे साइकिल सिखाते हुए वो थककर गिर जाती है पर सोरा तब तक साइकिल खुद ही चलाते हुए आगे चली गई थी। फिर घर आकर सोरा कमरे के दरवाजे पर कान लगा बाहर क्या हो रही है सुनती है। हम सुन पाते हैं मदर दर्द से रो रही थी। अब अगले दिन सोरा अकेले स्कूल जा रही थी एंड वह यूना डॉक्टर से मिलने, जहाँ डॉक्टर कह रहे थे और देरी न करते हुए आपको एडमिट हो जाना चाहिए क्योंकि आगे आपकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। यूना कहती है पर मैं सारी मेडिसिन टाइम पर ले रही हूँ, जिस पर डॉक्टर कहते हैं वो मेडिसिन आपको इलाज नहीं करेंगी, वो तो बस पेन किलर्स है जो आपको थोड़ा वक्त और जीने में मदद करी है, बस मुझे लगता है आपको आज ही एडमिट हो जाना चाहिए। वहीं स्कूल से आंट सोरा को घर ले जाती है। जसोरा आंट से शाम को कहती है क्या प्लीज़ मुझे घर तक छोड़ दोगे एक वॉक में,
आंट पहले हैरान थी कि सोरा ऐसा क्यों पूछ रही है, पर फिर रास्ते में सोरा कहती है, मदर आजकल बहुत सारे पिल्स लेती है, क्या वो सच में बहुत बीमार है, क्या उनकी कंडीशन इतनी बुरी है। आंट एक शिकश के साथ हाँ कहती है एंड सोरा पूछती है, उन्हें क्या हुआ है। आंट हिचकिचाते हुए कहती है, कुछ दिनों के बाद है वो हॉस्पिटल जा रही है एंड मेडिसिन ले रही है, अगर हम प्रे करेंगे ना तो वो ठीक हो जाएगी। जिस पर सोरा कहती है, झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। वासु भरी आंखों से कहती है, मैं समझती हूँ सब कुछ, बड़े हॉस्पिटल जाना बहुत सारे मेडिसिन का मतलब क्या होता है। वो मर रही है ना, सच बताइए, क्या मेरी मदर मरने वाली है, अगर आप झूठ बोलोगे तो मैं कभी आपको माफ़ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए प्लीज सच बताइए क्या वो मर रही है। आंट इमोशनल होकर कहती है, हाँ। सोरा पूछती है, उनके पास कितना वक्त बचा है। आंट कहती है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन तुम्हारी मदर एक स्ट्रांग पर्सन है। सोरा कहती है, प्लीज़ आप ये बात मदर को मत बताना कि मुझे इस बारे में पता है। इसके बाद सोरा घर चली जाती है एंड अगले दिन खुद से तैयार होकर नाश्ता कर बैग ले वो स्कूल के लिए निकल जाती है अपनी मदर को बाय बोलकर। जब मदर घर पर वॉशरूम पे वॉमिट कर रही थी, जितनी भी दवाइयाँ वो खा रही थी क्योंकि ये बीमारी उन्हें अंदर से ख़त्म कर रही है। सोरा मदर की आवाज़ सुनकर और उनकी कंडीशन को देख घर से बाहर निकल तेज तेज चलती है, फिर अचानक रुक कर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे बस अपनी मदर को ठीक होते हुए देखना था, उनकी हालत वो कहीं से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज भी बारिश का दिन था एंड वो बाहर देख रही थी, लेकिन तभी मदर उसे लेने आ जाती है। शॉप पे आकर मदर वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन कर रही थी जब सोरा उनसे पूछती है, मॉम आपने अपनी शादी में ऐसी ड्रेस क्यों नहीं पहनी। वो कहती है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे फादर बहुत गरीब थे एंड हमारे पास इसके पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो ड्रेस मुझे दी वो और भी प्यारी थी। सोरा कहती है, आप हमेशा ड्रेसेस बनाते हो, आपको इन्हें पहनने का मन नहीं करता। एंड तभी सोरा उन्हें जिद कर वही ड्रेस पहनाती है एंड खुद ब्राइड ग्रूम वाला सूट डाल लेती है एंड वह वो दोनों बहुत ही प्यारा डांस करते हैं। सोरा ने फाइनली अपनी मदर का वेडिंग ड्रेस पहनने का सपना पूरा कर दिया था। इसके बाद अगले दिन सोरा स्कूल नहीं जाती और मदर से जिद करती है उनके साथ ही आज रहने का। यूना भी मान जाती है क्योंकि वो भी इस वक्त अपनी बेटी के साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताना चाहती थी। फिर अगले सीन हम देखते हैं फुलो नदी किनारे गए हुए थे। सोरा अचानक मदर को पुकारती है एक सी शेल दिखाने के लिए, लेकिन आसपास मदर थी ही नहीं। वो उन्हें बहुत आवाज़ लगाती है लेकिन मदर नहीं आती एंड तभी उसकी नींद खुलती है। वो ये सब कुछ सपना देख रही थी पर असलियत में मदर उसके पास ही थी, लेकिन उसे पता नहीं कब तक। अब अगले दिन शॉप पे बॉस आकर इधर उधर की बातें करने लगती है कि कितना काम बढ़ गया है, जिस पर यूना कहती है, आपको नए लोग हायर कर लेने चाहिए। जिस पर बॉस कहती है, तुम्हारे जैसा डिज़ाइनर शायद मुझे मिल भी जाए, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान मैं कहाँ से लाऊं, तुम बहुत ही अच्छी हो। लेकिन तभी यूना कहती है, मैं आज के बाद काम पर नहीं आ सकती। बॉस नाराज़ होकर कहती है, क्यों, कौन है जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा पैसे दे रहा है, या फिर तुम खुद की शॉप खोल रही हो क्या। यूना कहती है, नहीं, जैसे मैं जल्दी चली जाऊँगी। वो कहती है, कहाँ चली जाओगी। यूना कहती है, सोरा के फादर के पास। उसकी ये लाइन सुन बॉस एकदम से चुप हो जाती है, वो हड़बड़ाते हुए बाहर चली जाती है एंड रोने लगती है, क्योंकि इतने सालों में न सिर्फ वो बॉस और एम्प्लॉय थे बल्कि एक दोस्तों वाली बॉन्डिंग भी थी उनके बीच। इसके बाद हम देखते हैं बॉस खुद से यूना की डिज़ाइन की भी ड्रेस को उनके लिए बनाकर घर पहुंचवा देती है एंड यूना ये देख बहुत खुश थी और हैरान भी एंड फिर वो उस ड्रेस को खुद से भी थोड़ा मॉडिफाई करती है। वहीं हमारी मुलाकात अब होती है यूना की बहन से, वो उसे कहती है, कितनी अजीब बात है ना, पहले तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और अब पैसे हैं तो तुम ही नहीं रहोगी, पर तुमने सोचा है तुम्हारे जाने के बाद सोरा का ख्याल कौन रखेगा। यूना कहती है, नहीं। एंड उसके फेस को देख हम समझ पाते हैं वो इन बातों से कंफर्टेबल नहीं थी। फिर भी उसकी बहन कहती है, मेरे हस्बैंड का बिजनेस फेल हो गया है और हम अब कनाडा जा रहे हैं नई शुरुआत करने, एंड सोरा को हम अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, उसकी एडुकेशन हम वहीं पूरी करवाएंगे, बस तुम इंश्योरेंस के पैसे हमें दे देना। ये बात जब यूना अपने सिस्टर इन लॉ को बताती है तो वो सीधा यूना की बहन के घर पर जाकर उन्हें स्लैप मारते हुए कहती है, बिजनेस तुम्हारा डूबा है और पैसे तुम यूना से मांग रही हो, क्या तुम्हारे अंदर जरा से भी शर्म बाकी है। वो तुम्हारी बहन है, वो मर रही है, लेकिन तुम्हें यहाँ अपना फायदा करवाना है। रही बात सोरा की तो फिक्र मत करो, मैं उसके लिए हूँ एंड वो हमेशा मेरी बेटी की तरह थी और आगे भी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ यूना घर पर सोरा की बचपन की फोटो एल्बम देख रही थी, ऐसे देखते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं एंड जैसे जैसे वो पेजेस पलट कर फोटोज देख रही थी वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वहीं अब सोरा यूना आंट अंकल के घर पर ही रहने लगते हैं क्योंकि यूना उस कंडीशन में नहीं थी कि वो दोनों अकेले रह सके। वहीं दिन सोरा और आंट के बेटे में लड़ाई हो जाती है एंड दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सुना देते हैं। ये देख यूना उनसे माफ़ी मांगती है एंड वहाँ पर सोरा का नेचर देखकर उसे बस एक ही डर सता रहा था कि अगर उसके जाने के बाद सोरा ने ऐसा कुछ दोबारा किया, किसी से बदतमीजी की, लड़ाई की, तो इस दुनिया में कौन उसकी तरफ से खड़ा होगा। वो उस पर चिल्लाती है
कि जब मैं चली जाऊंगी तो बताओ तुम कैसे सब कुछ मैनेज करोगी। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अंकल एंड आंट बहुत अच्छे हैं, तो उनसे तुम अच्छे से बात क्यों नहीं करती। सुरा कहती है, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं चाहिए, ना कोई दोस्त ना कोई परिवार, बस आप चाहिए माँ, बस आप, प्लीज़ आप मत जाओ, मैं आपको अभी से बहुत मिस कर रही हूँ। जब आप चले जाओगे पता नहीं तब क्या होगा। उसकी बातें सुन यूना खुद को संभाल नहीं पाती एंड बहुत रोने लगती है। इसके बाद रात को सोते वक्त यूना सोरा से कहती है क्या वो एक लैलाबाई उसे सुना सकती है, एंड सोरा उसे सुनाती भी है। जिसके अंत में यूना बेहोश हो गई थी, तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है एंड यूना को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। पूरे रास्ते सोरा रोई जा रही थी। इसके बाद हॉस्पिटल में हमें दिखाया जाता है कि यूना की हालत ख़राब थी एंड सोरा वहाँ बैठे बस इसके पहले वाली रात को मदर के साथ बिताई गई बातों को याद करी थी, क्या उसने प्रॉमिस किया था कि वह एक अच्छी बेटी बनेगी। एंड अब जाकर वो डिसाइड करती है उसकी दोस्त गीना से दोबारा दोस्ती करने का एंड साथ ही पहले डांस सीखने का भी, ताकि अपनी मदर के जाने से पहले वो उन्हें परफॉर्मेंस दिखा सके। दूसरी तरफ देखते हैं यूना से मिलने उसकी बॉस आई हुई थी। जब यूना की नज़रें अब कमज़ोर होते जा रही थी, उसे करीब का सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। वहीं स्कूल में सोरा गीना के सामने जाकर उसे गिफ्ट देती है एंड कहती है क्या तुम्हारा बनाना मिल्क मैं पी सकती हूँ। वो बिना जवाब सुने थोड़ा पीकर वापस कर कहती है प्लीज़ मेरा वैसे ही मजाक उड़ाओ जैसा तुम्हारा मैंने उड़ाया था। उसकी दोस्त की बातें सुन एकदम शॉक रह गई थी। वहाँ पर सोरा उनसे तही दिल से माफ़ी मांगती है एंड फिर उन सभी बच्चों को लेकर वो हॉस्पिटल में आकर अपनी मदर से मिलवा कहती है मॉम मैंने सबसे दोबारा दोस्ती कर ली, मुझे अब मेरी गलती का एहसास है। इसके बाद वो डांस एकेडमी ज्वाइन करती है लेकिन वहाँ वो अच्छे से नहीं कर पा रही थी क्योंकि सारे बच्चों ने पहले से बहुत सारे स्टेप सीख रखे थे एंड सोरा का आज पहला दिन था। वो ताइक्वांडो वाला बंदा ये देख सोरा से पूछता है तुम्हें आखिर इतनी जल्दी सीखना क्यों है। वो कहती है वरना मेरी मदर मेरा परफॉर्मेंस देखे बिना ही फादर के पास चली जाएंगी। उसकी बातें सुन वो बंदा सुबह सुबह क्लासेस के बाद तुरंत उन टीचर से रिक्वेस्ट करता है सोरा को डांस पर्सनली सिखाने के लिए। वो टीचर इस बात पर मना कैसे ही कर पाती एंड यहाँ पर टीचर से ज़्यादा एक लड़की के डेडिकेशन की थी। वो महीनों में सीखने वाली चीज़ सिर्फ कुछ ही हफ्तों में सीख जाती है एंड फाइनली आता है पहले परफॉर्मेंस का दिन। वहाँ सोरा की आंट एंड पूरी फैमिली के साथ उसकी मदर यूना भी आई हुई थी। अब तो मदर की नज़रें इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता, सब कुछ उनके लिए धुंधला था। लेकिन जब सोरा डांस करने आती है तो सोरा की आंट यूना को इशारा कर समझाती है वो रही सोरा देखो वो कितने अच्छे से डांस करी है ना। वहाँ सोरा अपनी मदर को देख स्माइल करती है। यूना उसे धुंधली नज़रों में ही सही देख समझ पा रही थी कि ये उनकी बेटी है एंड उसे पता तो नहीं था कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है, इसलिए वो स्माइल नहीं करती। लेकिन पूरे वक्त उनके फेस को देख हम समझ पाते हैं उन्हें आज कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है सोरा की मेहनत को देखकर। साइड में हमें यूना की बॉस को भी दिखाया जाता है जो यूना के काम छोड़ने के बाद भी अच्छे रिलेशंस की वजह से खुद सोरा और बाकी सभी डांस एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए ड्रेसेस डिज़ाइन कर लाई थी। इसके बाद सोरा हॉस्पिटल में अपनी मदर के पास आकर लेट जाती है। वहाँ उनके बीच बहुत सारी बातें होती हैं। यूना उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करती है एंड सोरा कहती है आज मैं अभी नहीं सोऊंगी, पर उसे नींद आ जाती है एंड पास में रेडियो में सोरा ने ताइक्वांडो सिखाने वाले बंदे की मदद से रेडियो स्टेशन को एक खत भिजवाया था ताकि रेडियो स्टेशन वाले इसे पढ़ सके। और अभी बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्यारी मॉम मैंने आज तक बहुत सी कंप्लेंट्स की आपसे, आप कभी खाना अच्छा नहीं बनाते थे तो कभी आप मुझे तैयार नहीं करते थे ना ही मेरे साथ खेलते थे, लेकिन पता है क्या मैं थैंकफुल हूँ कि आप मेरी मदर हो। पता है मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि बस मेरी एक इच्छा है आपकी जगह मैं बीमार पड़ जाऊँ ताकि बस आपको कुछ ना हो। मॉम मैं घर की सफाई कर दूँगी, खाना भी मैं बना लूँगी एंड डिशेस भी मैं वॉश करूँगी, एकदम अच्छे से रहूँगी। आपको एक काम करना नहीं होगा, जस्ट कि आप हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते। प्लीज़ मॉम आप सच में मेरे लिए बेस्ट हो, आई लव यू सो मच मदर। इस बात को सुन उसकी मदर नम आंखों के साथ उसके सिर पर बाल को सहलाते हुए कहती है सोरा तुम एक तोहफा हो जो मुझे मिली हो, आई लव यू टू सोरा। इसके कुछ वक्त बाद अगली सुबह सोरा की आंखें खुलती है, वो मॉम को आवाज़ देती है लेकिन मॉम जवाब नहीं देती। वो पास में आकर जो प्लांट लगा हुआ था उसे पानी देते हुए मदर से कुछ ना कुछ कहते जा रही थी लेकिन मदर तब भी कोई रिप्लाई नहीं देती। वो दरवाज़ा बंद कर बाहर आ जाती है एंड बाहर खड़ी हो जाती है। डॉक्टर्स की टीम अभी अंदर जाने ही वाले थे लेकिन सोरा उन्हें देख दरवाजे के एकदम सामने आकर उन्हें रोक लेती है एंड कहती है नहीं मदर रात भर मुझसे बात करी थी, वो थकी हुई है, आप अंदर मत जाइए। लेकिन वो डॉक्टर्स थे, इन्हें यूना की कंडीशन देखनी थी, एक डॉक्टर उसे पकड़ते हैं एंड सोरा फूट फूट कर रोने लगती है, वो चिल्लाती है एंड जैसे ही बाकी लोग अंदर जाते हैं तभी उसकी फैमिली वहाँ जाती है एंड उन्हें पता चलता है यूना अब नहीं रही। सोरा ये सुन बस रोई जा रही थी,
उसे पहले से इस बात का अंदेशा हो गया था, लेकिन वो बस अभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। वो वहां पर बिल्कुल चुप नहीं होती। एंड एक दूर के लॉन्ग शॉट के बाद हमें इसके कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। आज भी बारिश का मौसम था एंड सभी बच्चे इधर छाता लेकर आए थे या फिर उनके पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। एंड आज पहली बार सोरा किसी का भी इंतजार नहीं करी थी। वो स्कूल से बाहर आकर अम्ब्रेला निकालती है एंड चल पड़ती है। हमें दूर से उसे दिखाया जाता है ये समझाते हुए कि अब वो बड़ी हो चुकी है, उम्र में ना सही लेकिन सोच और समझ में जरूर। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी एंड बहुत ही खूबसूरत भी। ये कहानी हमें दिखाती है एक मदर उनके बच्चे की प्यारी सी बॉन्डिंग को एंड कैसे जब मदर बाद में रियलाइज करती है कि उन्होंने अपनी बच्ची को टाइम नहीं दिया एंड अब उनके खुद के पास वक्त नहीं है तो वो हर एक चीज करती है जो हमेशा से अपनी बच्ची के साथ करना चाहती थी। वो सोरा को वो सारा प्यार लाकर देने की कोशिश करती है जो सोरा डिजर्व करती थी। एंड अंत में जब सोरा स्कूल से बाहर निकलती है तो उसके फेस को देखकर ही हम समझ सकते थे कि वो बड़ी और समझदार हो चुकी है, जैसे उसकी मदर हमेशा उसे देखना चाहती थी। इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग था, इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी कहानी को जानने के बाद भी एक बार जरूर से इस फिल्म को देखिए। इस फिल्म की दोनों ही लीड एक्ट्रेस किम हेंगी एंड सॉन्ग यूना ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।